हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू सिलेक्शन मेंटर. आई होप यू आर डूइंग वेल. शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल. आज जो एडिटोरियल है वो बिजनेस स्टैंडर्ड का 26 सितंबर का एडिटोरियल है. इस एडिटोरियल में राइटर ने कोऑपरेटिव बैंक में जो क्राइसिस चल रहे हैं उनके बारे में बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट और RBI को मेजर्स उठाने चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक को. क्योंकि जो पंजाब और महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो क्राइसिस आए हैं उसने उस बैंक को इंसॉल्वेंट बना दिया. बैंक के पास खुद की कोई भी मनी नहीं थी. तो इस तरह राइटर ने इन सब के बारे में सजेशन दिया है, बताया है कि गवर्नमेंट क्या करे और RBI ने क्या क्या मेजर्स लिए. स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, मेक मोर फोर्सफुल एंड पावरफुल. उनको पावरफुल बनाना, फोर्सफुल बनाना. RBI एंड गवर्नमेंट शुड नॉट वेस्ट द PMC क्राइसिस. RBI और जो गवर्नमेंट है उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. जो PMC में जो क्राइसिस हुई हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करना चाहिए. इसको एश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा ना हो. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूजडे प्लेस्ड द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अंडर डायरेक्शन. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने प्लेस किया. प्लेस मीन्स होता है लोकेट करना या फिर सेटल करना या फिर अरेंज करना. तो उन्होंने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अरेंज किया अंडर डायरेक्शन. डायरेक्शन के अंदर, खुद के निर्देशन के अंदर, अपनी रेगुलेशन के अंदर उनको सेटल्ड किया. सीखने का रूल है यहाँ पे कि डे और डेट से पहले हमेशा जो भी प्रपोजिशन यूज़ होती है वो ऑन होती है. और ट्यूसडे जो कि पास्ट की बात है, इसीलिए जो नाउन जो टेंस यूज़ हुआ है वहाँ पे वो टेंस है पास्ट टेंस. प्लेस्ड बता रहा है कि ये एक पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कॉन्सिक्वेंटली कैश विड्रॉल हैव बीन केप्ट एट 1000 पर अकाउंट फॉर 6 मंथ. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है देयरफॉर जो कैश विड्रॉल है हैव बीन केप्ट एट, उसको केप्ट एट कर दिया गया, उस पर लिमिट लगा दी गई 100,000 पर अकाउंट. एक अकाउंट से 1000 रुपीज 6 मंथ तक. सिर्फ 6 महीनों तक हम 1000 रुपये ही निकाल सकते थे एक अकाउंट से. ये जो रेगुलेशन है RBI ने सेट की. कैश विड्रॉल एक प्लूरल नाउन है, इसलिए जो वर्ब यूज हुई हैव बीन केप्ट, हैव बता रहा है कि ये एक प्लूरल वर्ब है. द बैंक विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड क्रेडिट. और जो बैंक हैं वो एबल नहीं होंगे क्रेडिट एक्सटेंड करने में, क्रेडिट को बढ़ाने में, टेक फ्रेश डिपॉजिट रिसीव करने में या फिर पेमेंट करने में. अगर बैंकों को भी पेमेंट करनी है तो बैंक वो भी नहीं कर सकता. प्रेडिक्टिवली मीन्स होता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना फ्यूचर के बारे में. द डिसीजन, जो डिसीजन है, हैज़ रिजल्टेड इन पैनिक अमंग डिपॉजिटर. उसने डिपॉजिटर के अंदर पैनिक को क्रिएट कर दिया. जो डिसीजन आया है उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डिपॉजिटर थे वो कंफ्यूजन में चले गए, वो डर गए. वाइल जबकि द डिटेल्स ऑन, जो डिटेल्स थी ऑन वाई द बैंकिंग रेगुलेटर वाज फोर्स, कि किस क्यों जो बैंकिंग रेगुलेटर है वो फोर्स हुआ, उसको फोर्स होना पड़ा टू पुट मीन्स डालना सच रिस्ट्रिक्शंस, कि उसने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डाली, आर स्टिल स्केची. ये जो डिटेल है अभी भी स्केची है. स्केची मीन्स होता है अनकम्प्लीट, रफ है अभी भी. इस डिटेल को सामने नहीं लाया जा रहा. द इशू, जो इशू है, इज रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलेटेड टू बैंक एक्सपोजर. ये जो इशू है वो रिलेट कर रहा है बैंक के एक्सपोजर से. बैंक का एक्सपोजर मीन्स होता है अनकवर करना या कुछ सामने लाना. तो ये जो इशू है वो रिलेट कर रहा है बैंक के एक्सपोजर से टू हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. और उसका एक्सपोजर किसके लिए था? हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए था. द कंपनी हैज़ बिन एडमिटेड बाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. अब हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के लिए बता रहा है कि ये जो कंपनी है, द कंपनी हैज़ बिन एडमिटेड बाय, इसको एडमिट किया गया, इसको लाया गया बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग. इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग है, इंसॉल्वेंसी मीन्स होता है दिवालिया होना, जब हमारे पास किसी को पे करने के लिए कुछ भी ना बचे. तो ये जो प्रोसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग करने के लिए एडमिट किया गया हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को. दो यद्यपि इट हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय रियलिटी फर्म्स, जबकि इन सब चीज़ों को चैलेंज किया गया, इन सब चीज़ों का विरोध किया गया बाय रियलिटी फर्म्स. रियलिटी फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जो रियल इस्टेट में काम करती हैं. तो ये जो रियल इस्टेट वाली फर्म्स थी, इन्होंने चैलेंज किया इस सिचुएशन को. देर आर डिफरेंसेज बिटवीन द ऑडिटर एंड रेगुलेटर. उन्होंने बोला कि
देर आर डिफरेंसेज, यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन ऑडिटर एंड रेगुलेटर, रेगुलेटर और ऑडिटर के बीच में डिफरेंस होता है इन द टर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हम लोन के ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ऑडिटर और जो रेगुलेटर है इनके जो वर्क हैं उसके अंदर डिफरेंस होता है एक्सटेंडेड टू HDIL, जो कि HDIL को एक्सटेंड किया गया है, उनको दिया गया है। देर कुड ऑल्सो भी इशूज, यहाँ पे और भी इशूज हो सकते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट गवर्नेंस, रिलेटेड टू गवर्नेंस, देर कुड ऑल्सो भी इशूज रिलेटेड टू गवर्नमेंस। यहाँ पे जो इशूज थे वो गवर्नेंस से रिलेटेड भी इशूज थे, एज क्यों, जैसे कि बैंक एंड HDIL हैव हैड लिंक इन द पास्ट, कि जो बैंक और जो HDIL है उनके जो पास्ट में भी लिंक रहे थे। अगर जब दो कंपनियों के पास्ट में लिंक हो तो ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि अगर वहाँ पे रेगुलेटर या फिर जो ऑडिटर वहाँ पे इंस्पेक्शन का काम कर रहा है तो उस इंस्पेक्शन में भी फेयरनेस नहीं होगी। तो यहाँ पे ये वाले इशू भी क्रिएट हो रहे थे कि किस की जो गवर्नेंस है वो फेयर है या नहीं है। द कोलैप्स ऑफ PMC अपीयर्स टू हैव बीन सडन इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। जो कोलैप्स आया है, जो क्राइसिस आए हैं ऑफ PMC अपीयर्स, जो पंजाब और महाराष्ट्र बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके जो क्राइसिस हैं वो अपीयर्स हुए हैं, सामने आए हैं, टू हैव बीन सडन, सडनली वो जो कोलैप्स है सामने आया है एंड इट्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। और वो ना श्राउड है, श्राउड मीन्स होता है कि वो हिडन है, सीक्रेट है, कवर हुआ है, कि वो जो सडन जो कोलैप्स आया है वो कवर है, उसका कुछ भी पता नहीं लग पा रहा, अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक थिंग्स विल बिकम क्लियर, जो थिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी वंस, एक बार अगर द रेगुलेटर कंप्लीट्स द एग्जामिनेशन, जब जो रेगुलेटर है, जो अथॉरिटी लगाई हुई है एग्जामिन करने के लिए, अगर वो एक बार एग्जामिनेशन कर लेता है तो पता चल जाएगा कि किस वजह से ये जो कोलैप्स है वो आया है। एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में PMC ने डिक्लेयर किया, फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इसीलिए जो वर्ब का यूज हुआ है डिक्लेयर्ड वो पास्ट वर्ब है। तो PMC ने डिक्लेयर किया अ नेट प्रॉफिट, एक जो नेट प्रॉफिट था ऑफ अबाउट 100 करोड़, वो 100 करोड़ का था, विद डिपॉजिट अवर 11,000 करोड़, और जो डिपॉजिट थे वो 11,000 करोड़ थे। एट द नेट लेवल, एक नेट लेवल पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाज एट अ मॉडेस्ट 2.19%, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे उस बैंक के वो मॉडेस्ट थे, जनरल से थे, नॉर्मल से थे 2.19%। द रेगुलेटर एंड द गवर्नमेंट, जो रेगुलेटर है यानी कि RBI और जो गवर्नमेंट है वो वुड डू वेल, उनको अच्छा करना चाहिए, कुछ और नया करना चाहिए, टू री इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, कि जो कोऑपरेटिव बैंक की जो इम्पोर्टेंस है उसको री इवेल्युएट किया जाए, उसको दोबारा लाया जाए इन द करंट फाइनेंशियल लैंडस्केप, जो करंटली अभी फाइनेंशियल की जो सिचुएशन चल रही है, जो एनवायरमेंट चल रहा है उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी इम्पोर्टेंस को रिवेल्युएट किया जाए, वापसी लाया जाए, टू अवॉइड करें ताकि रिकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट, इन जो इंसिडेंट अभी हुए हैं, जो क्राइसिस अभी आए हैं उनकी रिकरेंस को, उनके दोबारा होने को अवॉइड करके कोऑपरेटिव बैंक की इंपॉर्टेंस को दोबारा से हमारे जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है, फाइनेंशियल जो इन्वायरमेंट है उसमें लाया जाए। अकॉर्डिंग टू RBI के अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंडिया हैड अ टोटल ऑफ 1542 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इंडिया के पास 1542 कोऑपरेटिव बैंक थे एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे जो बात कर रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है राइटर, इसीलिए जो वर्ब का यूज हुआ है इंडिया हैड बता रहा है यहाँ पे कि एक मेन वर्ब का काम कर रहा है हैव हैड हैड, जो कि सेकंड फॉर्म है। तो इंडिया के पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1542 कोऑपरेटिव बैंक थे, ऑफ विच और उनके अंदर 26 वर डायरेक्शन ऑफ द रेगुलेटर एंड 46 हैड अ नेगेटिव नेटवर्थ। उन वो जो 1542 कोऑपरेटिव बैंक थे उनके अंदर जो 26 थे वो अंडर डायरेक्शन थे, वो RBI की डायरेक्शन के अंदर थे, एंड जो 46 थे हैड अ नेगेटिव नेटवर्थ, और जो 46 थे उनकी जो नेटवर्थ थी, उनकी जो टोटल इनकम थी वो नेगेटिव में थी, इट मीन्स वो लॉस में थे। देर हैव बिन डिलेज, यहाँ पे डिले हुई है इन अडोप्शन में, कुछ किसी चीज़ को अपनाने में, ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन आया है उसको अडॉप्ट करने में डिले हुई है इन सम केसेस, कुछ केसेस में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड कैपिटल, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक थे वहां पे एक्सपर्टाइज की कमी थी, जो एक्सपर्ट
पर्सन्स थे जिनके पास स्किल थी या फिर नॉलेज थी और जो कैपिटल थी, इस चीज़ की कमी थी, इसी वजह से उनको डिले हुई है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने में। गवर्नेंस इज़ अ रियल इशू, जो गवर्नेंस थी वो एक रियल इशू है इन बैनिंग ऑफ दीज बैंक। लगभग जो सभी बैंक हैं उनमें गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि इन बैंक को इंसॉल्वेंसी की तरफ लेके जा रहा है। इट डजंट हेल्प, इसने हेल्प की नहीं की दैट की दे आर रेगुलेटेड बाय बोथ द आरबीआई एंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हेल्प नहीं करेगा कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है दे आर रेगुलेटेड, इनको रेगुलेट किया जाए बाय बोथ, दोनों के द्वारा, आरबीआई और रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ऑफ स्टेट कंसर्न। जिस भी स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो आरबीआई है, इन दोनों के द्वारा अगर किसी बैंक को ऑपरेट किया जा रहा है, गवर्नेंस की जा रही है, तो वो हेल्प नहीं करेगा। फर्दर आगे देर आर इशूज़, आगे यहाँ पे जो इशूज़ थे रिलेटेड टू कैपिटल, और जो इशूज़ हैं वो कैपिटल से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी खुद की इतनी कैपिटल नहीं है कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाएँ, लिक्विडिटी ला पाएँ अपने वर्क में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है गवर्नेंस के साथ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, कैनॉट रेज कैपिटल, वो कैपिटल को रेज नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते थ्रू पब्लिक इशू, पब्लिक इशू के द्वारा एंड और इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, और प्रीमियम पे अगर शेयर को इशू भी कर दें तो ये सब को जो काम है वो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं कर सकता। दे आर फेस डिफिकल्टीज इन मीटिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, वो जो है वो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे, डिफिकल्टीज को सामना कर रहे थे इन मीटिंग, मीटिंग मीन्स होता है पूरा करना, कंप्लीट करना, कि वो शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है एक छोटे पीरियड के लिए, जो डेली रूटीन के लिए उनको जो मनी की जरूरत होती है, उस रिक्वायरमेंट को भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। उनको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, बिकॉज क्योंकि नॉट ऑल कैन डायरेक्टली असेस आरबीआईज लिक्विडिटी सपोर्ट, क्योंकि जो सभी बैंक हैं उनको आरबीआई का जो लिक्विडिटी सपोर्ट मिलता है, आरबीआई जो फाइनेंस देती है, वो सभी बैंक को नहीं प्रोवाइड करवा रहा था। इसी वजह से ये भी एक दिक्कत थी जो लिक्विडिटी में, जो उनके डेली रूटीन के वर्क में आ रही थी। कोऑपरेटिव बैंक्स फेल ऑफन बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल कैपिटल बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ओपनली यूजुअली इसीलिए फेल हो रहे थे क्योंकि उनका जो कैपिटल बेस था वो बहुत स्मॉल था। कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पे एक प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है, इसीलिए जो फेल जो वर्ब यूज़ हुई है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जो वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक के जो फेल होने का मेन रीज़न था वो ये भी था कि उनके पास जो कैपिटल बेस है उसकी कमी थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है कैन स्टार्ट, उनको हम स्टार्ट कर सकते हैं विद अ कैपिटल बेस ऑफ 25 लाख। 25 लाख के कैपिटल बेस के साथ हम कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट कर सकते हैं, कंपेयर टू, अगर कंपेरिजन करें टू 100 करोड़ फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को शुरू करना है तो उसके लिए जो कैपिटल है 100 करोड़ की जरूरत है, तो इन दोनों के बीच में कितना कंपेरिजन है। ऑटोमेटिकली जिस बैंक के पास 100 करोड़ का कैपिटल बेस है उसकी लिक्विडिटी सिचुएशंस अच्छी होंगी, उसकी बजाय जिस बैंक का 25 लाख है। ऑल्सो, और साथ ही, सच बैंक्स आर हाईजेक्ड बाय वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और ये जो बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि ये एक स्टेट के अंदर आ जाते हैं और इन बैंक को हाईजेक कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके द्वारा भी इन बैंक का फायदा उठाया जाता है। टू बी श्योर, पूरी तरह से श्योर हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द पास्ट में, इंक्लूड करते हुए इन द कॉलोनियल पीरियड में भी, जब हमारा जो इंडिया है वो गुलाम था, तो उस पीरियड में भी कोऑपरेटिव बैंक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बट लेकिन देयर रेलिवेंस, उनकी जो इंपॉर्टेंट है, उनकी जो रेलिवेंस है, हैज़ डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हुई है विद द स्प्रेड ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। जिस तरह से जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का स्प्रेड हुआ है उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इनकी जो रेलिवेंस है उसमें कमी आई है, एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर। और ये जो बैंक है इन्होंने अभी पिछले सालों में किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, इसी वजह से इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसमें कमी हुई है। गिवन देयर लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड कैपिटल, गिवन का मीनिंग होता है अगर हम इस तरफ ध्यान दें, अगर इस चीज को ध्यान से देखें, तो जो देयर लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, उनकी जो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, उनकी जो स्किल्स में कमी है, नॉलेज में कमी है, और जो कैपिटल में कमी है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दिस बैंक। तो ये इन बैंक के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू कम्पीट, कि वो कम्पीट करें विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनके पास ना तो एक्सपर्टाइज है ना ही कैपिटल है, तो उनके लिए डिफिकल्ट है कि वो जो फाइनेंशियल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें फ्यूचर में।
देयरफॉर इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट Therefore, it is important to carry out a comprehensive review. इसीलिए ये important है कि वो कि carry out किया जाए, शुरू किया जाए एक comprehensive review. Comprehensive means होता है overall या फिर inclusive. एक पूरी तरह से review किया जाए, देखा जाए and make changes और changes किए जाएं in the law में to give more power to RBI in the terms of regulation. Regulation के terms में RBI को और ज़्यादा power दी जाए और laws में changes किए जाएं, mergers and conversion of some entities. मर्जर किया जाए और कन्वर्ट किया जाए सम एंटिटीज़ को, कुछ एंटिटीज़ को इनटू कमर्शियल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक. उनको कन्वर्ट किया जाए कमर्शियल और स्मॉल फाइनेंस बैंक में. दिस विल अलाउ देम टू रेज कैपिटल. ये अलाउ करेगा उनको टू रेज कैपिटल, कैपिटल को इकट्ठा करने में एंड अट्रैक्ट टैलेंट, और टैलेंट को अट्रैक्ट करने में, टैलेंट को लाने में. टैलेंट यहाँ पे यूजुअल अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट पर्सन हैं उनको अपने बैंक में लाने में हेल्प करेगा. इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी के एब्सेंस में, किसी भी पॉलिसीज के ना होने में, पॉलिसी का जो इनिशिएटिव है, एक जो स्टार्ट है उसका ना होने में, दीज बैंक, ये जो बैंक हैं, वुड इंक्रीजिंगली लगातार बिकम मोर वल्नरेबल. ये और ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं किसी भी पॉलिसी के अभाव में. वुड मुडाल, वुड के बाद हमेशा वी वन आती है, मीन्स नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. बिकम शो करता है नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो इंक्रीजिंगली है वो एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे. तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एडिटोरियल. वोकैब्स को एक बार दोबारा देखेंगे. स्ट्रेंथन का मीन्स होता है मेक मोर पावरफुल या फिर फोर्सफुल. डे और डेट से पहले हमेशा ऑन का यूज़ होता है. कैप्ड एट मीन्स होता है एक लिमिट सेट करना या फिर प्रिवेंट करना किसी को. प्रेडिक्टिवली मीन्स होता है अनुमान लगाना, और प्रेडिक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है. जब भी किसी वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में एलवाई वाला सेंटेंस यूज़ हो और उसके बाद कोमा हो तो 100% श्योर होते हैं कि वो जो वर्ब है, वर्ड है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है. पैनिक मीन्स होता है कंफ्यूजन या फिर स्केयर. स्केची मीन्स होता है अनकम्प्लीट सा है, धुंधला सा है. एक्सपोजर मीन्स होता है कुछ सामने लेके आना, पर्दा उठाना भी बोलते हैं हम इसको. रिपोर्टेडली मीन्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट. रियलिटी फर्म्स होती हैं रियल इस्टेट में जो काम करती हैं. कोलैप्स मीन्स होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना. श्राउडेड मीन्स होता है हिडन या फिर सीक्रेट कुछ हो. रिअकरेंस मीन्स होता है किसी चीज़ का दोबारा होना. एक्सपर्टाइज मीन्स होता है नॉलेज, स्किल. हाईजैक मीन्स होता है सीज करना. वेस्टेड मीन्स होता है किसी भी चीज़ के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है, सेटल्ड बोलते हैं जिसको. रेलिवेंस मीन्स होता है इंपॉर्टेंट. कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मीन्स होता है ओवरऑल रिव्यू लिया जाए. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल. आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर इस तरह से आप डेली एडिटोरियल देख रहे हो और खुद भी अपने आप एनालिसिस करके देख रहे हो तो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी. एक बार एडिटोरियल रीडिंग करने से उसकी जो वोकैब्स होती हैं वो डेली रिपीट होती हैं. वोकैब डेली रिपीट होती है. ग्रामर के रूल्स डेली रिपीट होते हैं. अगर आप डेली एडिटोरियल देख रहे हो तो ये रूल्स आपको टिप्स पे यूं ही याद हो जाएंगे. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन रूल्स को. जैसे कि आज हमने किया कि डे से पहले या डेट से पहले हमेशा ऑन का यूज़ होता है. तो ये बार ये वाला जो एक थिंग है वो अभी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगी. जब आप अगर मान लो कोई एरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपने सीधा देखा कि डे से पहले इन लगा रखा है लेकिन नहीं, डे से पहले तो ऑन का यूज़ होता है, वो एरर वहीं से छट जाएगा. तो ग्रामर के रूल्स करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना रीडिंग करना इम्पोर्टेंट होता है. रीडिंग के बेस पे हम क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, पैरा जंबल कर सकते हैं. ग्रामर भी कुछ हद तक रीडिंग के बेस पे ही हम कर सकते हैं. तो रीडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. थैंक यू. दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल.